प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम छठी क्लास के दूसरे लेसन द फ्रेंडली मोंगूज। मोंगूज कहते हैं नेवले को। मोंगूज क्या होता है? नेवला। फ्रेंड होता है मित्र, तो फ्रेंडली होता है मित्र नेवला। ये इसकी विशेषता बता रहा है, ऐसा नेवला जो दोस्त है। तो इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है वाई डिड द फार्मर, किसान, ब्रिंग का मतलब होता है लेके आना, ए बेबी मोंगूज। बेबी मोंगूज होता है छोटे नेवले का बच्चा। इन टू द हाउस घर में। तो ये देखिए, इन और इन का मतलब भी मे होता है, इनका मतलब भी मे होता है, और इन टू का मतलब भी मे होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? जिस वाक्य के अंदर गति हो उसमें इनटू लगता है। उसमें क्या लगता है? इनटू, ले के आना। तो इसमें गति है। जैसे कोई बच्चा है, वो क्लास के अंदर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज कमिंग इनटू द क्लासरूम। वह क्लासरूम में आ रहा है, तो यहाँ पे हम इनटू लगाएंगे। और इन कहाँ पे लगाएंगे? इन लगाएंगे जैसे कोई चीज़ के अंदर हो, पड़ा हो, निष्क्रिय हो। तो जैसे आई हैव ए कॉइन इन माई पेन, आई हैव ए कॉइन इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक सिक्का पड़ा है। तो अब यहाँ पे इन लगेगा, इनटू नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोनों, इन और इनटू का फ़र्क, कि इन कहाँ लगता है, इनटू कहाँ लगता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। द फार्मर, किसान, ब्रोट लेके आया ए बेबी मोंगूज, एक नेवले का बच्चा, इनटू द हाउस घर में, बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड वह चाहता था, हिज सन उसका बेटा, टू हैव हो ए कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी, एक साथी हो, व्हेन ही ग्रू अप जब वह बड़ा हो। वह चाहता था कि उसका जो इकलौता बच्चा है, इकलौता लड़का है, जब वो बड़ा हो तो उसका कोई साथी हो, उसका कोई दोस्त हो। एंड ही फेल्ट और वह महसूस करता था, दैट द मोंगूज कि जो मोंगूज है, विल बी हिज कंपेनियन उसका सहयोगी होगा या उसका साथी होगा जब वह बड़ा होगा। तो प्रश्न था कि किसान था जो, वह मोंगूज को क्यों लेके आया, मोंगूज के बच्चे को क्यों लेके आया अपने घर में। तो उत्तर क्या आएगा कि वह इसलिए लेके आया क्योंकि वह चाहता था कि उसका जो बेटा है उसका कोई साथी हो, उसका कोई सहयोगी हो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ, किसान की जो पत्नी थी, क्यों नहीं, वांट टू लीव, लीव होता है छोड़ना, एक लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो नाउन होता है, और ये क्या है, वर्ब है, लीव लेफ्ट। द बेबी, बच्चे को, अलोन अकेला, अलोन क्या होता है, अकेला, विद द मोंगूज, मोंगूज के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की जो पत्नी थी, डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, टू लीव, टू के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फार्म आती है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फार्म आती है, टू लीव द बेबी अलोन, बेबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, विद द मोंगूज नेवले के साथ, बिकॉज क्योंकि, द मोंगूज वाज क्योंकि जो नेवला था, ए फुल ग्रोवन एनिमल, अब वो पूरा बड़ा जानवर हो चुका था, एंड और शी वाज अफ्रेड, जो महिला थी, बच्चे की माँ थी, किसान की जो पत्नी थी, वाज अफ्रेड भयभीत थी, दैट कि इट वुड हर्ट, यह नुकसान पहुँचा सकता है द बेबी, वो ये सोच रही थी कि ये जो बच्चा है उसको अगर इसके पास अकेला छोड़ा तो ये जानवर, पहले तो बच्चा था लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है और ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह उसे उसके पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट, फार्मर के विचार क्या थे, ऑन हिज वाइफ फियर्स, उसकी जो पत्नी का भय था कि बच्चे को अकेला नेवले के पास ना छोड़ें, इसके बारे में किसान क्या सोचता था। तो इसका आंसर देखिए, द फार्मर्स कमेंट, फार्मर के विचार, जब किसी शब्द के पीछे एस्ट्रोफी कॉमा लग के एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है का, के या की। तो यहाँ पे क्या आएगा, फार्मर के कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर, पत्नी के भय,
ये अब ये यहाँ दोबारा से लग गया है, एस्ट्रोफी कोमा के साथ एस लग गया है, तो इसका मतलब क्या है, पत्नी के। फियर्स वाज दैट सी नीड नॉट बी अफ्रेड, कि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ही सेड, उसने कहा, दैट द मोंगूज, कि जो मोंगूज है, वाज ए फ्रेंडली एनिमल, वह एक मित्र पशु है। इट वाज, मित्र जानवर है। इट वाज ए स्वीट, वह प्यारा है। एज द बेबी, जैसे कि उनका खुद का बेटा है वैसे ही वह प्यारा है। एंड दे वर द बेस्ट फ्रेंड, और वो दोनों क्या है, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, क्योंकि उन्हें इतने समय हो गए पास पास रहते थे, तो अब वो क्या है, वो अच्छे मित्र बन चुके हैं। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक, फार्मर की पत्नी ने क्यों टकराया द मोंगूज, मोंगूज को विद हर बास्केट, बास्केट के साथ क्यों टकराया, अब उसने टोकरी क्यों उसके फेंके मारी। आंसर है, व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक, जब उसकी पत्नी थी वो वापस आई फ्रॉम शॉपिंग, खरीदारी करके, शीशा, उसने देखा दैट कि द मोंगूज फेस, जो मोंगूज का चेहरा है, एंड पाच, और उसके जो पंजे हैं, वर स्मेल्ड, स्मेल्ड होता है धब्बे, स्मेल्ड क्या होते हैं, धब्बे लगना, चिकने जैसे किसी तरह के खून वगैरह के जो धब्बे होते हैं, ग्रीस वगैरह के धब्बे, तेल के धब्बे होते हैं, इन्हें स्मेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मेल्ड, एस एम ई ए आर ई डी, स्मेल्ड, स्मेल्ड का मतलब होता है चिकने धब्बे। विद ब्लड, खून के साथ, ब्लाइंड विद रेग, ब्लाइंड विद रेग, रेग होता है एंगर, रेग क्या होता है, एंगर, क्रोध के साथ, ब्लाइंड विद एंगर, क्रोध में अंधे होकर, सी स्ट्रक द मोंगूज, उसने मोंगूज के साथ टकराई, विद ए हैवी बास्केट, एक हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जो कि ग्रोसरी से भरी हुई थी। ग्रोसरी कहता है जो घर का सामान होता ना, चीनी है, दाल है, आटा है, इस तरह का जो सामान था उसके अंदर भरा हुआ था उस टोकरी के अंदर जिसमें वो लेके आई थी। जब उसने देखा कि मोंगूज के पंजे पे, मोंगूज के मुंह पे खून के धब्बे लगे हुए हैं, तो उसने सोचा कि कहीं इसने तेरे बच्चे को मार के तो नहीं खा लिया, और इससे गुस्से में होकर उसने बिना सोचे समझे अपनी जो टोकरी थी वो मोंगूज के ऊपर फेंक के मारी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, डिड सी रिपेंट हर हैस्टी, रिपेंट होता है पछताना, रिपेंट क्या होता है, पछतावा। डिड सी रिपेंट, क्या वह पछताई, हर हैस्टी एक्शन, अपने जल्दबाजी के काम के लिए। हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस, उसने अपनी रिपेंटेंस कैसे शो की, उसने अपना पछतावा कैसे दिखाया। तो यस, हाँ, सी डिड रिपेंट, वह पछताई हर हैस्टी एक्शन, हाँ वह पछताई अपने जो जल्दबाजी का कार्य था उसके ऊपर। हर रिपेंटेंस कैन बी सीन, उसकी जो पछतावा है वो देखा जा सकता है, बाय द फैक्ट, इस तथ्य के साथ, दैट कि सी वाज रनिंग, वह दौड़ी आउट बाहर, टू लुक देखने के लिए, इफ़ द मोंगूज वाज अलाइव, क्या जो मोंगूज है वो जिंदा है। एंड देन क्राइड, और तब चिल्लाई जोर से। एंड टचड, और हाथ लगाया द डेड मोंगूज, मरे हुए मोंगूज को, सेइंग, कहते हुए, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया, कि उस जैसे मूर्ख महिला ने बिना सोचे समझे सिर्फ एक चीज़ को देख के कि इस मोंगूज के मुंह पे खून लगा हुआ है, पंजों में खून लगा हुआ है, जबकि उसे ये नहीं पता कि खून किसका है, ठीक है ना, और उसने ये सोचा कि ये तो खून है और ये इसने बच्चे को मार दिया। तो जो मूर्ख आदमी होते हैं वो इसी तरह के कार्य करते हैं, और बाद में उसके लिए उनके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। तो यही उस महिला के साथ हुआ, फार्मर की घरवाली के साथ, पत्नी के साथ, और उसने कहाँ से पता चलता है, व्हाट हैव आई डन, इन शब्दों से पता चलता है कि उसे बहुत पछतावा हुआ कि अब मैं क्या करूं, या मैंने अभी मैंने ये क्या कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इस लेसन के ये 5 क्वेश्चन आंसर हैं, आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको किसी भी शब्द के बारे में कोई डाउट है, किसी भी वाक्य के बारे में कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये हमारा चैनल है GSY ईश्वर सर, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में भी आपको इससे संबंधित वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।